दी ओजी सरपंच, इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन हमारे साथ है। प्रधानमंत्री ने आपको सरपंच कह के बुलाया, तो अब तो सरपंच नाम पड़ गया है। कैसा रहा पूरा जर्नी, कैसा रहा मैच, क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल आप भारत के लिए जीता कर लाए हैं। बहुत बड़ी बात है, स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए और मेरी टीम के लिए, क्योंकि हमने ऐसे टीम ये अचीव किया है और बैक टू बैक हमने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो बहुत बड़ी बात है एंड स्पेशल मोमेंट है हमारे लिए। कैसा रहा मैच, क्योंकि जब क्योंकि टाइम डिफरेंस था भारत में और पेरिस में, लोग रातों को उठ उठ के मैच देख रहे थे, आपके लिए पूरी टीम के लिए कितने एक्साइटेड वो पूरा वो समय रहा जब मैच चल रहा था? बिल्कुल, क्योंकि लास्ट मैच था हमारा और होने के लिए हमें और हमारे पास कुछ भी नहीं था, बट हमें ये पता था कि हम अगर जीतेंगे तो ब्रॉन्ज मेडल हमारा है, तो यही सोच कर गए थे और स्टार्टिंग वेसल से हमने अपना जो हम सोच के गए थे, जो हमारी प्लानिंग थी, जो हमें बताई गई थी, हम उसको अच्छे से फॉलो किया और एज ए टीम हमने आई थिंक बहुत बहुत अच्छी हॉकी खेली और इसलिए हम मेडल जीते। प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई और अब आगे क्या, मतलब सवाल यही है कि अब गोल्ड कप आगे कोशिश जा रही है, अभी जितना भी समय है उससे पहले काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स हैं, मेजर टूर्नामेंट्स हैं, तो कोशिश जा रही है कि ये जो पीक है, जो परफॉर्मेंस है हमारी, हम इसको बरकरार रखें और इसे और ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि टफ है जो जर्नी है, टफ है, बट आई थिंक जितना आप हार्डवर्क करोगे आप इसको ईजी बनाते जाओगे। एक कंपैरिजन किया जाता है क्रिकेट में, हॉकी में, बाकी उसमें कुछ में, उसमें क्या कहना चाहेंगे, क्या वो कंपैरिजन कम हुआ है आपको लगता है? मैडम मुझे तो लगता है क्योंकि अब लोगों ने हॉकी देखना इंटरेस्ट है इतना शुरू से, ये हमारी अचीवमेंट है मैडम, और वो भी इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो बहुत।